पेज नंबर 278। ओके अच्छा, बिल ऑफ एक्सचेंज सबके समझ में आ रहा है क्या? तो कल काफी सारा होमवर्क था, 5 क्वेश्चन दिए थे मैंने, आई होप 7, तो आई होप कि वो क्वेश्चन जम गए, नहीं भी जमे होंगे तो मैं करके देता सॉल्व। सॉल्व ही थे सारे क्वेश्चन, सारे सॉल्व इलस्ट्रेशन थे, अनसॉल्व कुछ भी नहीं था। कोई बात नहीं, रिन्यूअल ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज टॉपिक हो चुका था अपना। रिन्यूअल के बाद का जो टॉपिक है, इसकी जर्नल एंट्री आपको लिखनी थी, आई होप आप लोगों ने ये भी लिख ली है ना। चलिए चलिए चलिए, ए लिखित कैमरा ऑन कर रहे बेटा, रुको 5 मिनट। हाँ आयुषी, कृष्णा, दीपेश मस्त हंसता, पर मस्त लगता है सब, मस्त तेल वेल लगा के नहा धो के फ्रेश होके जब आता ना, बहुत ही प्यारा लगता। सर दीपू 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 यस दीपू ओली 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 कैंसलेशन ऑफ सर, किसने बोला आपको नाम? क्या बोला? किसने बोला ये नाम आपको? किसी ने बोला नहीं रे, अब तू बता तो किसने बोला होगा दीपू बोलना करके। तेरे को बुरा लगता क्या मैं दीपू बोलू तो? कुछ स्पेशल है कि उसी ने दीपू बोलना चाहिए, मैं नहीं बोल सकता? नहीं सर, कोई टेंशन नहीं, आप ऐसा नहीं है ना, तो चल फिर टेंशन क्यों ले रहा है जाने देना। और किसी को बुरा लगे तो बोल देना, और किसी को बुरा लगे तो बोल देना, हमारे सर मानते नहीं बोलना। अमोल वाला हो गया था क्वेश्चन नहीं क्या आपका? तो ये 10 क्वेश्चन सॉल्व करके दिए हैं आपको, वो आप ही करना बाद में। 15 क्वेश्चन सॉल्व करके दिए है ना, तो मैं अनसॉल्व पे चलता हूँ सीधा। कहाँ है पेज नंबर बताइए? रिटायरमेंट 278। आइए ये टॉपिक को समझते हैं अपन, जिसका नाम है क्या, रिटायरमेंट ऑफ बिल्स, रिन्यूअल ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है। रिटायरमेंट का टॉपिक कहाँ दिया है? हाँ ये रहा, रिटायरमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज अंडर क्या, रिबेट। अब मुझे थोड़ी मेरी बात को ध्यान से सुनना तो आपको ना ये टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। चैताली कैमरा ऑन कर। कृष्णा किधर है तू? आज तेरा दोस्त आने वाला था केवल, बोल तो रहा था ज्वाइन करेगा लाइव। ऑल राइट, चलो मुझे बताइए थोड़ा सा, आपको कुछ पढ़ा क्या किसी ने सेल्फ रीडिंग की? फिफ्थ क्वेश्चन इसी पे बेस था, पर जमा नहीं किया, समझ भी गया सर, एक बार समझाना फिफ्थ वाला। नहीं ऑफ कोर्स मैं तो समझाऊंगा ना, ऐसे थोड़ी ना आप लोगों को छोड़ दूंगा बिना समझाए। मैं तो पूछ रहा हूँ क्या किसी ने खुद होके पढ़ने की या समझने की कोशिश की क्या? मानसी कुछ समझा क्या रिटायरमेंट से, बताओ तो, कल पढ़ा हो तो? नहीं 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 समझा। रुचि आपने कुछ पढ़ा समझा? क्वेश्चन नंबर 5 करने के लिए इसको पढ़ना जरूरी नहीं था? पढ़ा नहीं पढ़ा, बहुत अच्छी बात है। कृष्णा बेटा कुछ मेहनत करी इस पे रिटायरमेंट वाले टॉपिक पे खुद हो के कल? ओए अनम्यूट करना था, कैमरा बंद नहीं करने का था, चलो कोई बात नहीं। गजल पढ़ा आपने? समझा क्या? समझा बताइए थोड़ा। ठीक है अनिकेत, दीप, कृष, अपना वैष्णव, अच्छा मैं बताता, सुनो आज मैंने सेल परचेस का ट्रांजैक्शन किया किसी के साथ, तो मैंने कब बिल ड्रॉ किया? आज। और उस बिल की वैलिडिटी थी 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, और कितने महीने बाद? 3 महीने बाद। तो मेरा जो ड्रॉवी था उसकी जिम्मेदारी थी कि 3 महीने बाद मुझे 1 लाख रुपया देगा। कितना पैसा देगा? 1 लाख रुपीज। ये बात तय हो चुकी थी, मैंने बिल ड्रॉ किया, सामने वाले ने बिल क्या किया, एक्सेप्ट किया। अब उसने 3 महीने का बिल इसलिए एक्सेप्ट किया होगा हमने, क्योंकि उसको लगा कि 3 महीने बाद उसके पास क्या आएंगे, पैसे आएंगे, और वो अपने ड्यू को क्या करेगा, क्लियर करेगा। सिंपल सी बात थी। अब हुआ ये कि 1 महीना खत्म हो गया, 2 महीने खत्म हो गया, अभी भी 1 महीना बाकी है। एक दिन मेरा ड्रॉवी मुझे फोन करता है और बोलता है कि दिनेश 1 महीने बाद तो 1 लाख रुपए का बिल ड्यू हो रहा है, मैच्योर हो रहा है,
मेरे पास आज पैसा है, विल यू एक्सेप्ट द मनी टूडे? विल यू एक्सेप्ट द मनी टूडे? तुम्हें कोई हर्ज है क्या कि जो पैसा आज से एक महीना बाद मिलने वाला है वो पैसा मैं तुम्हें आज ही दे दू? तो मैं बोलो भला आदमी, एक महीने बाद मुझे 1,00,000 रुपया मिलने वाला है और कोई मुझे आज ही देना चाहता है, तो मुझे मना करना चाहिए या तुरंत हाँ करना चाहिए? तुरंत, अब आप मुझे फीस देने वाले हो अगले महीने में, और आप बोलो कि सर अगले महीने में देने की वजह मैं कब दे देता? आज। तो क्या मुझे कोई दिक्कत होनी चाहिए क्या? नहीं। पर आप इतने भोले नहीं हो, पर आप भी इतने भोले नहीं हो कि जो पैसा और जो फी मुझे एक महीने बाद देनी है वो आप एक महीना क्या दे रहे हो, पहले। ये करोगे आप, पर उसमें अगर आपका कोई फायदा होता होगा तो फोकट में दोगे क्या? एक महीना किसी और को दे दो तो आप उस पर इंटरेस्ट कमा सकते हो ना। तो आप मुझे क्या ऑफर कर रहे हो कि मैं आज पैसा देता तुम्हें? मैं तुम्हें आज ही क्या देता? पैसा देता, पर 1,00,000 नहीं दूंगा, 1,00,000 में 1,000 रुपया कम दूंगा। कितना दूंगा? 99,000। अगर आपकी इच्छा है तो पैसा आज ले लो, नहीं तो एक महीने बाद तो 1,00,000 रुपया मिलने ही वाला है। अब दिक्कत आती है, बात आती है मेरे पे, क्या मुझे ये ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो मुझे अपनी पोजीशन देखनी पड़ेगी। अगर मुझे कैश की जरूरत है और 1,000 रुपए का जो इंटरेस्ट मुझे लग रहा है पैसा समय से पहले लेने के लिए, इसके लिए मैं ओके हूं, तो मैं बोल दूंगा कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, आ जा आज ही अपने बिल के क्या दे दे, पैसे। अब इस केस में भी क्या हो रहा है, बिल तो कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि वो ड्यू डेट पे ऑनर होने के लिए डबल जाने वाला नहीं है, पर ये बिल को कैंसिल करने के लिए इसको कैंसलेशन ऑफ बिल नहीं बोला जाता, रिन्यूअल ऑफ बिल बोला नहीं जाता, इसको बोला जाता है रिटायरमेंट ऑफ अ बिल। समय से पहले ही बिल क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है। जैसे आपकी जॉब है, आप 60 साल में रिटायर होने वाले थे, आपको लगा बहुत पैसा कमा लिया, अब बच्चे भी सेटल हो चुके हैं और अब मुझे काम करने की क्या नहीं है, इच्छा नहीं है, तो आप अपने डिपार्टमेंट को, अपने बॉस को, अपने ऑफिस को बोल सकते हो ना 55 की उम्र में कि मैं भाई और 5 साल तो मेरे सर्विस के बचे हैं, पर मैं आज ही क्या होना चाहता हूँ, समय से पहले रिटायर होना चाहता हूँ। इज इट ओके? नो, अरे हाँ कि ना। तो व्हाट इज द रिटायरमेंट ऑफ बिल, और उसमें आता है रिबेट। तो ये जो 1,00,000 रुपए का बिल था, ये उसकी समय से पहले अगर कोई हॉनर कर दे, अब उसको बिल को हॉनर करना नहीं बोलता बल्कि उस बिल का क्या दे दे, पैसा दे दे, और उसके बदले में कुछ पैसे अपने को कम मिले जिसको लेना है उसको, तो उसको थोड़ा सा समय से पहले पैसा मिला तो उसने क्या बेयर किया, रिबेट या इंटरेस्ट है। अब इस चैप्टर में एक वर्ड यूज होता है इंटरेस्ट, एक वर्ड यूज होता है डिस्काउंट, एक वर्ड यूज होता है क्या, रिबेट। इंटरेस्ट एक व्यक्ति कमाता है तो एक व्यक्ति देता है, जो कमाता है वो क्रेडिट करता है, जो देता है वो डेबिट करता है। डिस्काउंट भी ऐसी चीज है, एक व्यक्ति कमाता है एक व्यक्ति देता है, जो कमाता है वो क्या करता है, क्रेडिट करता है अपने बुक में, और जो डिस्काउंट सहन करता है वो अपने बुक में डेबिट करता है क्योंकि उसके लिए क्या है, ये एक्सपेंस। रिबेट भी सेम चीज है, जिसका फायदा हो रहा है, जो 1,00,000 रुपए के बदले 99,000 दे रहा है, उसका तो 1,000 का क्या हो गया, फायदा, तो रिबेट उसके लिए क्या है, इनकम। और जिसे 1,00,000 रुपया मिलने वाला था वो उस 1,00,000 के बदले कितना पैसा ले रहा है, 99,000, तो ये रिबेट उसके लिए क्या है, एक्सपेंस है, समय से पहले पैसे लेने का एक्सपेंस, और समय से पहले पैसे देने का एक व्यक्ति के लिए क्या, इनकम। अब आप मुझे बताइए, एक है ड्रॉवर, एक है क्या, ड्रॉबी। बिल ड्रॉ करने के बाद दोनों के बुक में एक पोजीशन कॉमन है, ड्रॉवर के बुक में एक एसेट है जिसका नाम है क्या, बिल रिसीवेबल, ड्रॉवी के बुक में एक लायबिलिटी है जिसका नाम क्या है, बिल पेएबल। अब समय आने का है, समय से पहले ड्रॉवी क्या देना चाहता है, पैसे, 1,000 रुपया काट के 1,00,000 के बदले कितना देना चाहता है, 99,000, और जो ड्रॉवर है वो भी लेना चाहता है 1,00,000 के बदले कितने, 99,000। अब होगा क्या, इसमें क्या एंट्री पास करनी चाहिए ड्रॉवर को अपने बुक में, खुद ही बताइए कॉमन सेंस से, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। कैश आ रही है, कैश को क्या करेगा, डेबिट। रिबेट ड्रॉवर के लिए इनकम है कि एक्सपेंस है, एक्सपेंस। रिबेट को भी क्या करेगा, डेबिट। और क्रेडिट किसको कर देगा, बिल रिसीवेबल को, उसके बुक में हिसाब सेटल हो गया, बिल रिसीवेबल गोज आउट, कैश कम्स इन, और बदले में 1,000 रुपए का क्या बैठा, उसको रिबेट बैठा। जिसके लिए बिल पेएबल है उसने अपने बुक में क्या एंट्री पास करनी चाहिए, बिल पेएबल को डेबिट, कितना, 1,00,000 रुपीज। क्रेडिट किसको, कैश बैंक को, कितना, 99,000। और क्रेडिट किसको, रिबेट को, कितना, 1,000। बात क्लियर है?
क्यों नहीं दे सकता कोई व्यक्ति? अगर आज आपने मुझे बोल दिया कि सर आपको फीस 3 महीने में देता, तो कोई बर्डन है कि आप पे कि 3 महीने से पहले नहीं दे सकते? आप दे सकते हो ना, बिल्कुल दे सकते हो, क्यों नहीं दे सकते? आइए फिर पढ़ते हैं। मेकिंग पेमेंट ऑफ बिल वेल बिफोर द डेट ऑफ मैच्योरिटी, पैसा देना बिल का, कब पैसा देना? बिफोर द डेट ऑफ मैच्योरिटी इज नोन एज द रिटायरमेंट ऑफ अ बिल। तो इस पे आपको एमसीक्यू, वन लाइनर और ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। When the acceptor of a bill makes the payment to the holder before the due date, it is known as the retiring of a क्या bill? जब bill का acceptor, bill का drawee, bill के holder को उसकी due date से पहले ही क्या देता है? पैसा देता है, तो उसी को बोला जाता है bill को क्या करना? Retire करना। Retire करना मतलब अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाता। आप job से retirement लेते हो, इसका मतलब क्या है? आप आपकी जिम्मेदारी से मुक्त हो गए। अगर कल मैंने डिसाइड किया कि मुझे टीचिंग से क्या लेना है? रिटायरमेंट, तो उसके बाद मुझे टीचिंग का बर्डन लेने की जरूरत नहीं है, मैं किसी और काम पे अपना क्या कर सकता हूँ? फोकस। या मैं बोल दूं कि मुझे प्रैक्टिस से रिटायरमेंट लेना है, तो मेरा पूरा ध्यान किस पे रहेगा? टीचिंग पे रहेगा, फिर मैं ऑफिस के काम में उतना ध्यान नहीं दूंगा। और आगे पीछे मुझे एक निर्णय तो लेना ही है, या तो टीचिंग या तो ऑफिस, पर मोस्ट प्रोबेबली आई विल बी कंटिन्यू विद माय टीचिंग पैशन, क्योंकि इसी को शुरुआत ही मैंने की थी, क्योंकि ये मेरा क्या था? पैशन। मैंने कभी इसको प्रोफेशन माना ही नहीं। तो एवरी डे इज लाइक अ वेकेशन फॉर मी, एज लॉन्ग एज आई एम एंजॉयिंग टीचिंग, आई नेवर फील लाइक आई एम वर्किंग, आई फील लाइक आई एम ऑन अ वेकेशन, आई एम एंजॉयिंग माय व्हाट आई डू, है ना? आपको भी ऐसा करियर आपके लिए चुनना चाहिए। तो एक बार वेकेशन लेते जाओ ना फिर। नहीं लेता। अब क्या है, मैं तुम लोगों को छुट्टी इसलिए नहीं देता क्योंकि मैं मानता ही नहीं कि ये मेरी जॉब है, मेरा काम है। मुझे तो ऐसा लगता है कि बड़ा मजा आता है मुझे पढ़ाने में, तो जैसे बोर होता हूँ ना, तो ऐसा लगता है क्या करूँ यार, चलो पढ़ाई कम मजे करो, हमारे को वास्ता अच्छा लगेगा। अरे नहीं नहीं दीपू, ऐसा नहीं है। तू देखना, मैं तुम लोगों को पढ़ना एंजॉय करना सिखा दूंगा, मैं मजाक नहीं कर रहा। अगर मैं तुम लोगों को छुट्टी दे दूं ना 10-15 दिन की, लिटरली ना मिस करोगे मेरे को। कुछ लोग तो ऐसे मतलब ऐसे टिकटॉक बनाने लगोगे तुम, दर्द भरे वाले। मजाक नहीं कर रहा, एकदम अरिजीत सिंह के गाने सुन सुन के ना मेरे को याद करोगे कि यार मत दो तो हम भी एंजॉय करें। अरे तू लगता तेरे को ट्राई करके देखते ना एक बार। जब कोई चीज होती है ना अपने पास, तो उसकी कीमत पता नहीं चलती अपने को, उसकी कीमत पता चलती है जब वो चीज नहीं होती। तो मैं अगर छुट्टियां दे दू ना तो बड़े मिस करोगे मेरे को, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आगे देखो यहाँ पे क्या, मिस करके ट्रायल एक बार। नहीं नहीं नहीं, मुझे पता है। अरे मुझे पता ही, लिखित नहीं झेल पाओगे तुम लोग मुझसे जुदाई का गम। नहीं करना चाहता मैं तुम लोगों के साथ ये, डोंट एक्सेप्ट फ्रॉम मी कि मैं तुम लोगों का दिल तोड़ूंगा, तुम लोगों को रुलाऊंगा, कोई छुट्टी नहीं मिलेगी आगे। जानते दीपू, मास्टर को समझता ही नहीं कुछ। ड्रॉवर अलाउज सम डिस्काउंट और रिबेट टू द ड्रॉवी फॉर द अनएक्सपायर्ड पीरियड। तो कुछ ना कुछ पीरियड अगर समय से पहले दे रहे हो, तो वो पीरियड कौन सा पीरियड है? अनएक्सपायर्ड पीरियड। इसके लिए ड्रॉवर जो होता है वो अलाउ करता है कुछ डिस्काउंट या कुछ रिबेट। तो एंट्री करते हो, कुछ लोग इसको भी डिस्काउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्काउंट। और फिर कुछ लोग क्या बोलते हैं? रिबेट। पर अच्छी प्रैक्टिस ये है कि इसको डिस्काउंट बोलने की बजाय अपन क्या वर्ड यूज करेंगे? रिबेट। है एक ही, मैंने बोला इंटरेस्ट इज इक्वल टू डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या? रिबेट। इन तीनों में कोई फर्क नहीं है, सब कुछ क्या है? एक ही है। पर जब हम बिल को आगे लेके जाते हैं, मतलब रिटायर करने के बाद, सॉरी रिन्यू करने के बाद, उसकी नई बिल को क्या, इसको क्या करते हैं? बनाते हैं। तो उसको उस वक्त उसको क्या नाम देने का? इंटरेस्ट। जब बिल को समय से पहले बैंक के साथ क्या करते हैं? डिस्काउंट। तो उसके लिए, उस इंटरेस्ट के लिए क्या वर्ड यूज करने का? डिस्काउंट। और समय से पहले अगर पैसे का लेन देन ही कर लेते हैं, तो उस इंटरेस्ट को क्या नाम देने का? रिबेट। अब देखो, दिस रिबेट इज एन एक्सपेंस फॉर द ड्रॉवर। ये रिबेट किसके लिए एक्सपेंस है? ड्रॉवर के लिए और होल्डर के लिए। और इनकम फॉर द ड्रॉवी और क्या? एक्सेप्टर। तो छोटी सी इसकी क्या दी है? जर्नल एंट्री। ये आपके लिए होमवर्क है, आपको हेडिंग लिखना है रिटायरमेंट ऑफ अ बिल अंडर क्या? रिबेट। और उसकी जर्नल एंट्री वैसे की वैसी कॉपी में क्या कर लेनी है? लिख लेनी है आज का लेक्चर खत्म होने के बाद। जर्नल एंट्री क्या है बेटा? इन द बुक्स ऑफ क्या? ड्रॉवर। कैश बैंक अकाउंट को? डेबिट। ये तो रिबेट दे रहा है या डिस्काउंट दे रहा है, तो उसके लिए खर्चा है, तो उसको भी क्या करेगा? डेबिट। और बिल रिसीवेबल को क्या करेगा?
क्रेडिट। बात समझ में आ गई। वैसे ही जो ड्रॉवी है इसके लिए तो ये रिबेट जो है ये इनकम है, क्योंकि उसको तो 1 लाख के बदले 1,000 रुपया कम देना पड़ रहा है, तो रिबेट को करेगा क्रेडिट, कैश बैंक को करेगा क्रेडिट और बिल पेएबल को करेगा डेबिट, और नरेशन में लिखेंगे बीइंग बिल रिटायर्ड एंड रिबेट अलाउड। यस, समबडी वांट टू से समथिंग? ओके, बीइंग आवर एक्सेप्टेंस एंड रिटायर्ड द रिबेट रिसीव्ड, इज दैट ओके? यहां तक किसी को कोई दिक्कत इन चीजों को समझने में? आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है कौन सा? इनसॉल्वेंसी ऑफ ड्रॉवी। अरे भाई, किसी इंसान का इनसॉल्वेंट होना ये तो एक शॉकिंग मोमेंट है। कोई भी कभी भी किसी भी वक्त क्या हो सकता है? क्या सुन रहा भक्ति यार तू वहां बैठे बैठे? आज मैं गाना सुन रहा था, बड़ा मस्त लगा मुझे वो जुबिन नौटियाल का। कौन सा बताओ, कौन सा लगाओ? नहीं तू मत लगा, वो आ कुटी मोहब्बत ने अंगड़ाई ली, मस्त गाना है। लूट गए, बड़ा सही, आज पहली बार सुना मैंने, बट सच में बहुत अच्छा गाना। चलो ठीक है, तो प्यार मोहब्बत पे तो लोग इंसॉल्वेंट हो ही जाते हैं, तो अपने यहाँ पे अब कौन इंसॉल्वेंट होने वाला है? ड्रॉवी, है ना, ये धंधे में इंसॉल्वेंट होगा। देखो ड्रॉवी के लिए लायबिलिटी, और किसी ना किसी व्यक्ति के लिए वो क्या है? बिल रिसीवेबल रेंट। अरे हाँ कि ना? अगर ड्रॉवी ही इनसॉल्वेंट हो गए तो क्या कायदे से आप उसे पैसे मांग सकते क्या? नहीं। अगर मान के चलो आपके बुक में बिल रिसीवेबल है 1 लाख रुपए, कितने का? 1 लाख, और जिससे ये पैसे लेने उसका सुपड़ा साफ हो गया। अब उसने बोल दिया कि मैं दे सकता हूँ सिर्फ 40,000, कितने नहीं दे सकता आपको? 60,000 नहीं दे सकता। तो बोलिए आपको क्या एंट्री पास करनी चाहिए? 40,000 आ गए तो आप पहले एंट्री क्या करोगे? बैंक अकाउंट को डेबिट करोगे, कितना? 40,000। कितने पैसे डूब गए? 60,000। तो किसको डेबिट करोगे? बैड डेट को। जब भी कोई इंसॉल्वेंट होता है तो हम किसे डेबिट करते हैं? बैड डेट, कितना? 60,000। और क्रेडिट किसको करोगे? बिल रिसीवेबल को नहीं करने का, जनरली अपन क्रेडिट करते हैं क्या? ड्रॉवी को। और इससे पहले एक काम करते हैं, तो हमारे बुक में एक एसेट है जिसका नाम क्या है? बिल रिसीवेबल। उसमें कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। अब ये बिल का कोई ना कोई एक्सेप्टर होगा, तो जैसे ही हमें पता चलता है कि ये एक्सेप्टर क्या हो चुका है? इनसॉल्वेंट हो चुका है। क्या हो चुका है? इनसॉल्वेंट हो चुका है। तो हम सबसे पहले एंट्री रिवर्स कर देते हैं, हम एंट्री करते ड्रॉवी को डेबिट। किसको डेबिट? ड्रॉवी को। और बिल रिसीवेबल को क्या? क्रेडिट। तो पहले तो बिल रिसीवेबल बुक से खत्म हो गया, क्योंकि न्यूज मिली हमें। क्या मिली? न्यूज कि हमारा ड्रॉवी क्या हो चुका है? इनसॉल्वेंट हो चुका है। ये न्यूज हमें जैसे ही मिलती है, हम उस बिल रिसीवेबल का आप कोई मकसद है क्या? उसके पास भेजो, पता तो है उसके पैसे आने वाले नहीं है, तो उस बिल रिसीवेबल को क्या कर देते हैं अपन? कैंसिल, मतलब एंट्री रिवर्स कर दो, वापस डेबिट बैलेंस किसके अकाउंट में लेके आओ? ड्रॉवी के अकाउंट में लेके आओ। और फिर ड्रॉवी से बातचीतें होंगी अपनी, क्योंकि न्यूज तो आ गई कि भैया आप क्या हो चुके हो? इनसॉल्वेंट। फिर कुछ समय बीतेगा अपने में और उसमें निगोशिएशन होगा, वो तो बात करना बंद कर देगा, उसके बिहाफ में बात कौन करेगा? कोर्ट। जब व्यक्ति क्या हो जाता है? इनसॉल्वेंट, तो अपनी सारी स्टेट प्रॉपर्टी जो उसके लिए खाने पीने और जिंदा रहने के लिए जरूरी है उतना कोर्ट उसके पास रखती है, और बाकी सारा उसका असेट संपत्ति बैंक बैलेंस कैश गहने सब कोर्ट अपने कब्जे में ले लेती है। फिर उसके जिसको जिसको पैसे देनी है उन लोगों को किससे बातें करनी पड़ती? कोर्ट से बातें करनी पड़ती। फिर हम कोर्ट के व्यक्ति से बात करेंगे जिसको बोला जाता है लिक्विडेटर। क्या बोला जाता है? लिक्विडेटर। एक ऑफिसर होता है जिसको कोर्ट अपॉइंट करती है, आमतौर पे ऑफिसर और कोई नहीं बल्कि चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। तो किसी ना किसी सीए को कोर्ट खुद लिक्विडेटर के तौर पे अपॉइंट करती है, बोला अपनी फीस ले लेना जो भी तुम्हारे काम की बनती है, उसके बाद इसके सारे असेट बेचना और इसकी जितनी भी लायबिलिटी है प्रपोर्शन में देना, ताकि किसी को ये ना लगे कि मुझे मिल गए और उसको नहीं मिले। तो फिर हम कोर्ट से बात करेंगे, सॉरी लिक्विडेटर से बात करेंगे। अब लिक्विडेटर ने हमें बोला कि भाई कितने पैसे लेने थे तुमको? 1 लाख रुपया। अब पूरा हिसाब ऐसा है कि उसकी उसपे कर्जा था 100 रुपए का, तो उसके एसेट की रियलाइजेशन वैल्यू है 40 रुपए, मतलब सबको कितने कितने रुपए मिलेंगे? 40% मिलेंगे, या रुपए में 40 पैसे मिलेंगे, उससे ज्यादा पैसे मिलने वाले नहीं है। अपन भी क्या कर लेंगे ऐसे वक्त में? हाँ भाई ला, जो मिल रहा है वो तो ला। फिर हम एंट्री पास करेंगे, कैश बैंक को डेबिट करेंगे, कितना? 40,000। हमारे लिए तो ये क्या हो गया? बैड डेट। इसको डेबिट करेंगे, कितना? 60,000। और किसको क्रेडिट कर देंगे? ड्रॉवी को, मतलब अब ड्रॉवी के अकाउंट नाम से हमारे अकाउंट में कुछ भी पैसा शिल्लक
नहीं। अब ड्रॉवी को क्या करना चाहिए? ड्रॉवी के लिए ये क्या है, एक प्रकार का बिल पेएबल। पहले वो उसको रिवर्स करेगा। बिल पेएबल में कौन सा बैलेंस है, ध्यान से शांति से, कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। इसको खत्म करने के लिए ड्रॉवी क्या एंट्री पास करेगा? बिल पेएबल को करेगा सबसे पहले डेबिट, और ड्रॉवर को करेगा क्या? क्रेडिट। तो अब उसके बुक में लायबिलिटी दिख रही है किसके नाम से? ड्रॉवर। कितने रुपए की लायबिलिटी है? 1 लाख। क्या ये बंदा, क्या ये व्यक्ति पूरे 1 लाख रुपए चुकाने की परिस्थिति में है क्या? नहीं। ये कितना चुका पाएगा? 40,000। तो इसको एंट्री क्या करनी चाहिए? नई एंट्री है आपके लाइफ में। अभी तक आपने ये एंट्री की कि मेरे बुक में बैड डेट होता है तो मैं क्या एंट्री करूंगा, पर 11th में हमने ये एंट्री नहीं पढ़ी कि जिसने मेरा पैसा डुबाया वो क्या एंट्री पास करेगा। अब वो पैसा नहीं चुका पा रहा, कितना नहीं चुका पा रहा? 60,000। वो उसके लिए डेफिशिएंसी है। एक नया वर्ड आया आपके लाइफ में, क्या आया? डेफिशिएंसी। तो मुझे बताइए वो क्या एंट्री पास करेगा? वो एंट्री पास करेगा ड्रॉवर को डेबिट, कितना रुपया बेटा पूरा? 1 लाख। टू बैंक को या कैश को क्रेडिट, कितना? 40,000। और क्रेडिट किसको? डेफिशिएंसी अकाउंट को। किसको क्रेडिट करेगा? डेफिशिएंसी अकाउंट को, कितना रुपया? 60,000। अब बताइए इस डेफिशिएंसी अकाउंट में कितना बैलेंस है? क्रेडिट है कि डेबिट है? क्रेडिट है। मतलब डेफिशिएंसी मतलब उस व्यक्ति की ऐसी लायबिलिटी जो वो इंसॉल्वेंट होने के बाद, अपना सब कुछ बेचने के बाद भी क्या नहीं कर पाया, चुका नहीं पाया। तो कितने व्यक्तियों के पैसे उसने डुबाए होंगे? ए के, बी के, सी के, डी के, ई के, एफ के, जी के, एच के। हर व्यक्ति को सेटल करते वक्त तो उसका ना चुकाया हुआ बैलेंस कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करेगा? डेफिशिएंसी। और उसमें हमेशा क्रेडिट बैलेंस बना रहेगा। और उसको ये लिस्ट, अपनी डेफिशिएंसी अकाउंट की लिस्ट कि कितने कितने व्यक्तियों के पैसे मैं नहीं दे पाया, ये कहां सबमिट करनी पड़ेगी? कोर्ट में। फिर वो तब तक इंसॉल्वेंट ही रहेगा जब तक वो अपनी पूरी डेफिशिएंसी को क्या नहीं कर देता, क्लियर नहीं कर देता। तो वो बनाएगा अपने बुक में एक डेफिशिएंसी अकाउंट, उसमें रहेगा कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस, ए बी सी डी ई एफ जी एच के नाम से। फिर वो मेहनत करेगा, नौकरी करेगा, छोटे मोटे काम करेगा, पैसे कमाते रहेगा, और फिर डेफिशिएंसी को डेबिट और कैश को क्रेडिट, डेफिशिएंसी को डेबिट और कैश को क्रेडिट, डेफिशिएंसी को डेबिट और कैश को क्या करता रहेगा? क्रेडिट। मान के चलो अगले 15 साल तक उसने अपनी सारी डेफिशिएंसी क्या कर दी? चुकता कर दी। उसके बाद वो कोर्ट में जाएगा और बोलेगा कि माई लॉर्ड, मैंने अपनी सारी डेफिशिएंसी के क्या दे दिए? पैसे। अब जो मुझ पे ये दाग लगा है कि मैं क्या हूं? इनसॉल्वेंट हूं, इसे क्या कर दीजिए? हटा दीजिए। ऐसे वक्त में कभी कभी रिलेटिव्स भी इसको हेल्प कर देते, थोड़े थोड़े पैसे दे देते और बोलते बेटा पैसे क्या कर दो, चुका दो। और अनिल अंबानी पे भी यही पोजीशन आई थी। फिर उसने भीख मांगी किससे? अपने भाई से, मुकेश अंबानी से। मुकेश अंबानी ने कुछ पैसे दिए भी, उसके बाद उसने और भीख मांगी, उसका गड्ढा बढ़ते जा रहा था। मुकेश अंबानी ने बोला तेल ले ले जा, अब मैं तुझे कुछ दे नहीं सकता। तो अनिल अंबानी को अपने बीवी के गहने तक क्या रखने पड़े? गिरवी। सोचो जो 8 साल पहले या आज से 5 साल पहले भारत का दूसरे नंबर का सबसे अमीर व्यक्ति था, आज उसको अपने बीवी के गहने क्या रखने पड़ रहे? गिरवी। भाई धन संपत्ति पैसा कमाना जितना कठिन है उससे भी कठिन है उसको टिकाए रखना, बनाए रखना। इसलिए पैसों की वैल्यू को समझो, किस पे कभी भी कोई भी परिस्थिति आ सकती है। इसलिए आपके पेरेंट आपको बोलते हैं कि तुम्हें क्या नहीं पता, पैसों की कीमत नहीं पता। और सही है, एक एज होता है जवानी का, उम्र जैसे आपकी नहीं पता चलता, पर जो समय रहते इसको समझ जाए वही समझदार इंसान है। आगे बढ़ते, आइए फिर अपन कहानी पढ़ते। किसकी बेटा? इनसॉल्वेंसी ऑफ क्या? ड्रॉवी की। तो इस पे आपको वन लाइनर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक, ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी क्या किए जा सकते हैं बेटा? पूछे जा सकते हैं, जिसके हमें क्या करते आने चाहिए? आंसर करते आना चाहिए। आओ लेट्स रीड इट। छोटे से ही 2 पैराग्राफ है और फिर चालू करेंगे अपन क्या करना, इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना, वेरी इजी। और जैसे ही ये चैप्टर खत्म होगा हम सीए फाउंडेशन में भी इस चैप्टर को तुरंत ही क्या कर लेंगे बेटा? कवर कर लेंगे, क्योंकि वहां पे बेसिक पढ़ाने की क्या नहीं रहेगी? जरूरत नहीं रहेगी। डोंट डू दिस। कौन कर रहा है? लिखित क्यों कर रहा है ये सब? मत कर यार, मैं मिटा रहा हूं तू इसको और लिखे जा रहा है। ऑल राइट।
चलो, अ पर्सन हुज लायबिलिटीज आर मोर देन द असेट्स एंड इज नॉट इन अ पोजिशन टू पे ऑफ हिज लायबिलिटीज नॉन एज कौन सा पर्सन बेटा, इनसॉल्वेंट पर्सन, ऐसा व्यक्ति जिसकी लायबिलिटीज ज्यादा है, किससे ज्यादा है, उसके एसेट्स मतलब उसके कर्जा ज्यादा है उसकी संपत्ति से, ऐसे व्यक्ति को क्या बोला जाता है, इनसॉल्वेंट पर्सन। व्हेन द एक्सेप्टर और ड्रॉवी इज डिक्लेयर्ड इनसॉल्वेंट बाय द कोर्ट, बिल एक्सेप्टेड बाय हिम विल ऑब्वियसली बी डिसऑनर्ड। उसके द्वारा एक्सेप्ट किया गया बिल ले देके क्या होने वाला है, डिसऑनर ही तो होने वाला है। तो हम पहले एंट्री पास कर लेते, जो एंट्री हम किसके केस में करते हैं, डिसऑनर के केस में क्या एंट्री पास करेंगे, जैसे ही पता चल गया वो ये हो गया इंसॉल्वेंट, ड्रॉवी को डेबिट और बिल रिसीवेबल को क्रेडिट। और जैसे उसको पता चलता है कि मैं इंसॉल्वेंट हो गया, उसको भी पता है कि कोई मेरा बिल पेएबल कलेक्शन के लिए भेजने वाला नहीं है, तो वो भी एंट्री पास कर लेगा क्या, बिल पेएबल को डेबिट और ड्रॉवी को क्रेडिट, सॉरी ड्रॉवर को क्रेडिट। In this case, entry for cancellation of bill will be passed in the books of drawer and क्या drawee। तो जैसे ही declare हो जाता है कि हम क्या हो चुके हैं, insolvent, drawer और drawee अब अपने book में उस bill receivable को और bill payable को cancel करने की क्या pass कर लेंगे, entry। Drawer may receive some amount from drawee's estate which is called as क्या, final dividend। उसकी estate से आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा और उसी को हम क्या नाम देंगे, फाइनल। बस जो मिलना था ये फाइनल है, इसके बाद कुछ मिलने की उम्मीद रखना मत, नसीब अच्छे रहे तो एक दिन वो लाके देगा आपके पैसे। और मान के चलो आपने तो बैड डेट करके राइट ऑफ कर भी दिए पैसे उसके, और 10 साल बाद वो आके बोलता है कि मुझे क्या चुकाना है मेरा बैड डेट, तो आपको एंट्री पास करनी चाहिए कि नहीं, क्या एंट्री पास करनी चाहिए, कैश बैंक अकाउंट को डेबिट और बैड डेट रिकवर्ड को क्रेडिट, उसके नाम से क्रेडिट करोगे क्या, नहीं। 11th में अच्छे से समझाया था ये चीज की नहीं समझाई थी, समझाई। The amount which is not recoverable will be written off in the books of drawer as क्या, bad debt. The same amount will appear in the books of drawee as क्या, deficiency. तो ये word ध्यान में रखना, drawee के book में वो amount जो वो नहीं चुका पाया क्या नाम से दिखेगी, deficiency के नाम से दिखेगी। Accounting treatment इसको आप homework mark करोगे। और ये ऊपर का text जो है क्योंकि ये नया है, इस text को भी क्या mark करोगे, होमवर्क मार्क करोगे। तो टेक्स लिखना है, साथ में क्या लिखनी है आपको, जर्नल एंट्री, टुमारो आई विल बी चेकिंग दिस, हाँ पूरा टेक्स लिखना है, 4 लाइन 5 लाइन का ये, और साथ में उसकी क्या लिखनी है, जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री बिल्कुल आसान है, पहला क्या है, कैंसलेशन ऑफ ओल्ड बिल इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, क्या एंट्री होगी, ड्रॉवी को डेबिट, बिल रिसीवेबल को क्रेडिट, अगर वो बिल रिसीवेबल किसके पास है, हमारे पास है। अगर हमने वो बिल बैंक के साथ ऑलरेडी क्या करा लिया है, डिस्काउंट, तो मुझे बोलो बैंक का पैसा थोड़ी डूबेगा, बैंक क्या बोलेगा, तुम्हारी पार्टी इंसॉल्वेंट हो गई, पैसा तो हमने तुमको दिया था, तुम हमको क्या दे दो, पैसा। तो ऐसे केस में हमें एंट्री पास करनी चाहिए ड्रॉवी को डेबिट और बैंक को क्या, क्रेडिट, क्योंकि हमारे पास बिल है ही नहीं, हम ऑलरेडी उस बिल को क्या करा चुके थे, बैंक के साथ डिस्काउंट करा चुके थे। अगर ये बिल हमारे पास नहीं था पर हमने भेज दिया था बैंक को, किसके लिए, कलेक्शन के लिए, तो भी हम एंट्री क्या पास करेंगे, ड्रॉवी को डेबिट और बिल सेंड फॉर कलेक्शन को क्रेडिट। और मुझे बताइए अगर आपने ये बिल किसी को एंडोर्स किया था और जिसको एंडोर्स किया था उसके बाद आपका ड्रॉवी क्या हो गया, इंसॉल्वेंट, तो क्या आपका एंडोर्सी का नुकसान होगा क्या, वो तो बोलेगा भाई तूने मेरे को बिल दिया, मैंने बिल लिया, अब वो पार्टी क्या हो चुकी है, इंसॉल्वेंट, उसके पास तो जाने से रहा, तू ही मेरे को पैसा दे दे, अपन इंसॉल्वेंट हुए क्या, नहीं, तो उसका पैसा डूबेगा क्या एंडोर्सी का, नहीं, एंडोर्सी बोलेगा ये बिल वापस रख, अब तू मेरे को क्या दे दे, पैसे। अब उसको पैसे देने के लिए पहले तो मुझे एंडोर्सी के नाम से फिर से मेरे बुक में क्या खड़ी करनी पड़ेगी, लायबिलिटी खड़ी करनी पड़ेगी, और उसके लिए क्या पास करनी पड़ेगी, डबल एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो वैसे तो बिल को कैंसिल करने के 4 केसेस हो सकते हैं, तो कल जब आप होमवर्क करो तो इसको केस वाइज लिखना, केस ए, केस बी, केस सी और केस डी। पहला केस क्या है, बिल इज इन द हैंड ऑफ क्या, ड्रॉवर, बिल हैज ऑलरेडी बीन डिस्काउंट विथ क्या, बैंक, बिल हैज बीन सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन एंड बिल हैज बीन एंडोर्स टू द एंडोर्सी। और ऐसे 4 केस में आप उसकी क्या एंट्री पास करोगे, इसके हिसाब से आपको क्या लिख के लाना है, ये होमवर्क लिख के लाना है ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपको कभी भी जिंदगी में बिल ऑफ एक्सचेंज के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में क्या ना जाए, दिक्कत ना जाए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। चलिए अब जब फाइनल डिविडेंड हमें मिलेगा
तो अब हमारे बुक में तो बिल रिसीवेबल नाम का अकाउंट नहीं है, वापिस किसके नाम से लाए, असेट खड़ा हो गया ड्रॉवी के। तो जब वो पैसा देगा हमें तो हम एंट्री क्या पास करेंगे, कैश और बैंक को डेबिट, बैड डेट को डेबिट, और ड्रॉवी के अकाउंट को क्या करेंगे क्रेडिट, और लिखेंगे बीइंग फाइनल डिविडेंड रिसीव्ड एंड बैलेंस अमाउंट रिटर्न ऑफ। गेटिंग माय पॉइंट गाइस? मानसी समझ में आ रहा है? सोनल? यस सर। ए चैताली तू किधर है, तू लेक्चर कर भी रही कि नहीं कर रही? हेलो, ये ऐसा लगा कर रही ना सर, सर कर रही। कैमरा ऑन कर, ऐसा नहीं चलेगा। चलो गुड। उसके बाद इन द बुक्स ऑफ क्या, ड्रॉवी, ड्रॉवी भी अपने बिल पेएबल को क्या कर देगा कैंसल, बिल पेएबल को डेबिट और ड्रॉवर को क्या करेगा वापस क्रेडिट। और जब वो पैसा देगा तो ड्रॉवर को करेगा पूरे अमाउंट से क्या डेबिट, जितना पैसा दे रहा है कैश बैंक को क्रेडिट, और जो नहीं दे पाया वो उसके लिए हमेशा जिंदगी भर के लिए लायबिलिटी बनी रहेगी, जिसका नाम क्या है डेफिशिएंसी। तो डेफिशिएंसी अकाउंट में आमतौर पर हमेशा ही कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। इस पे आपको क्या पूछा जा सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्या मैं ये समझू कि कॉन्सेप्ट और फंडा हमारा क्लियर है? इज दैट परफेक्टली क्लियर गाइस? आगे बढ़ सकते हैं? आओ फिर इलुस्ट्रेशन पे, मुझे बताइए इलुस्ट्रेशन वन क्या हम कर चुके हैं, क्या होमवर्क था और मैंने चेक भी कर लिया, नहीं किया, ठीक है। अच्छा तो ये सॉल्व इलुस्ट्रेशन को छोड़ो, अभी सीधा अनसॉल्व पे आते हैं। सॉल्व आप देख देख के कर लेना, मेरा काम है आपको जो सॉल्व नहीं है वो करवा के देना, तो आपको समझ भी आ जाएगा कि क्वेश्चन के आंसर्स को कैसे लिखना चाहिए। एक्सरसाइज पे आओ, फिल इन द ब्लैंक्स के मुझे क्या दो, जवाब दो। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द सेंटेंस, ये है आपके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 301। मिला क्या सबको? साथ साथ करना है मेरे, ओके? बताइए द पर्सन ऑन हुम बिल इज ड्रॉन इज कॉल्ड एज, पक्का? शाबाश। बिफोर एक्सेप्टेंस द बिल इज कॉल्ड एज अ ड्राफ्ट। बहुत अच्छे। आप चाहो तो आप अपने कैमरास माइक ऑन रख सकते हो ऑनलाइन वाले, और तुरंत आंसर देना चाहो तो सबसे पहले क्या दे सकते हो आंसर। व्हेन द ड्यू डेट ऑफ बिल ड्रॉन फॉल्स ऑन अ पब्लिक हॉलीडे, है ना, द पेमेंट मस्ट बी मेड ऑन प्रीसीडिंग डे। अब पब्लिक हॉलीडे पहले से ही पता होते इस दिन को क्या आने वाली है छुट्टी, तो फिर जब पता ही है कि 26 जनवरी को छुट्टी आने वाली है तो पेमेंट कौन से दिन कर देने का, प्रीसीडिंग डे को कर देने का। The due date of a bill drawn for 2 months on 23rd November 2090 क्या होगा, बोलो। November के बाद 23rd December, 23 January, 23 के बाद 24, 25, 26 January आएगा। अब अगर 26 January उसका क्या आ रहा है due date, तो 26 January तो हमें पता है क्या है public holiday, तो पैसा कब देना पड़ेगा 25 January 2020 की 19। अब यहाँ पे गलती से किसी ने 19 को टिक कर दिया तो गई भैंस पानी। नोटिंग चार्जेस किसको सहन करने पड़ते हैं, ड्रॉवी, ड्रॉवी, शाबाश, ड्रॉवी। सारी गलती किसकी होती है, ड्रॉवी की, क्योंकि उसके गलती से बिल क्या हो गया डिसऑनर, और हमें क्या करना पड़ा उसका नोटिंग। देयर आर डैश पार्टी टू बिल ऑफ एक्सचेंज, भूलना नहीं, कितनी, थ्री, नाम बताओ तीनों पार्टियों के, ड्रॉवर, ड्रॉवी और पे, शाबाश, ड्रॉवर, ड्रॉवी और क्या, पे। अब मुझे बताओ प्रॉमिसरी नोट में कितनी पार्टीज होती है, दो ही पार्टी होती है, एक होता है खुद लायबिलिटी जिसकी है वो है ड्रॉवर, और जिसके लिए रिसीवेबल है वो ड्रॉवी, उसमें पे ही होता नहीं है। व्हेन अ बिल इज ड्रॉन फॉर 2 मंथ आफ्टर डेट, ये बात बहुत ध्यान से रखना, पढ़ना है आफ्टर साइट और आफ्टर डेट। ऑन 3rd Jan द ड्यू डेट ऑफ द बिल क्या होगा, 3rd Jan के बाद 6th March 2020 फरवरी और मार्च, 3 मार्च में 4, 5 और 6 मार्च, हाँ है क्या ऑप्शन 6 मार्च, हाँ है, ये इसका सही ऑप्शन है। नोटरी पब्लिक एक गवर्नमेंट ऑफिसर होता है, ड्रॉवर होता है, पे होता है कि एंडोर्सी होता है, वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर
होता है. When acceptor or drawee does not pay the amount of bill to the holder on due date, it is known as, क्या बोला जाता है? Dishonoring of the bill. आगे का क्वेश्चन. The person who accept the bill treat the bill as bill paid. और जो person draw करता है वो क्या है, उसको treat करता है bill received. बड़े आसान थे, मतलब जितना एक बार समझ में आ जाए तो क्या ऐसे क्वेश्चन को आंसर करना कठिन है क्या? बिल्कुल भी नहीं. एक वर्ड बताइए आप. थ्री एक्स्ट्रा डेज विच आर अलाउड ओवर एंड अबोव द टर्म ऑफ बिल. डेज ऑफ ग्रेस. डेज ऑफ ग्रेस या ग्रेस पीरियड भी बोल सकते हो, पर डेज ऑफ ग्रेस वर्ड टेक्सबुक में क्या किया गया है, यूज किया गया. फीस चार्ज बाय नोटरी पब्लिक फॉर गेटिंग द फैक्ट ऑफ डिसऑनर नोटेड. नोटिंग चार्जेस. गुड बेटा, गुड, शाबाश. ए चैतली उधर क्या देख रही तू खिड़की के बाहर, पगली है क्या? लेक्चर करते करते उधर देख रही. आंसर करना क्वेश्चन के. मानसी किधर गई तू? अगला क्वेश्चन. ए पर्सन हु इज एंटाइटल टू रिसीव द अमाउंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज. पेई. पेई इसको क्या बोलते हैं हम? पेई. A person in whose favor bill is endorsed. Endorse. क्या बोलेंगे? Endorsee. और जिसने endorse किया वो endorser. शाबाश. Officer appointed by government for noting the dishonor of bill. Notary public. बे लिखित बंद करो. नरेंद्र ना अच्छा लग रहा सबको, इतनी कम तो आवाज है क्या? तू ध्यान देना बेटा. कैंसलेशन ऑफ बिल ऑन मैच्योरिटी. कैंसलेशन ऑफ बिल ऑन मैच्योरिटी इन रिटर्न ऑफ अ न्यू बिल फॉर द एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ क्रेडिट. क्या बोलेंगे इसको? रिनेवल. बहुत अच्छा, शाबाश. कोई पेन नहीं चलाएगा अपने टेक्सटबुक पे? बिल्कुल पेन नहीं चलानी है. मैं बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूंगा कि कोई अपने नोट्स पे और टेक्सटबुक पे क्या चलाए, पेन. यू हैव टू स्ट्रिक्टली यूज द पेंसिल ताकि आप उसको रिवाइज करो तो मिटा दो और दोबारा से क्या लिखो क्वेश्चन के आंसर. नेवर यूज द पेन. बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड विदाउट एनी वैल्यूएबल कंसिडरेशन. अकोमोडेशन. बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड विदाउट एनी वैल्यूएबल कंसिडरेशन. अकोमोडेशन बिल. क्या बोला जाता है इसको? अकोमोडेशन बिल. ये जनरल एक्सेप्टेंस कहां से लाया तूने? अ पर्सन हु इज इन अ पोजेशन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज. क्या बोला जाता है इसको? होल्डर ऑफ द बिल. कन्वर क्या है? कन्वर्जन. कन्वर्जन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज इनटू कौन सा वैल्यू? प्रेजेंट वैल्यू. इसी को बोला जाता है क्या? डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल. क्या? बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड विदाउट एनी वैल्यूएबल क्या? कंसिडरेशन. देखो भाई सर्च करो. अकोमोडेशन. अकोमोडेशन बिल. ये देखो ये लिखा हुआ है कौन से पेज नंबर पे? ये बताता मैं आपको. पेज नंबर 263 पे आई. यहाँ पे एक टॉपिक है कौन सा? अकोमोडेशन. बंद करना. नहीं रे लिखित बंद कर दे, डिस्टर्ब मत कर क्लास को प्लीज. ए बिल ऑफ एक्सचेंज विच हैज बीन ड्रॉन फॉर म्यूचुअल फाइनेंशियल अकोमोडेशन ऑफ पार्टी इन्वॉल्व इज नोन एज अकोमोडेशन बिल. सच बिल आर ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड विदाउट एनी वैल्यूएबल कंसिडरेशन. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सच बिल इज टू ऑब्लाइज द फ्रेंड. और आपने जो बोला था कौन सा एक्सेप्टेंस? जनरल एक्सेप्टेंस. ये देखो ये पेज नंबर 254 पे आ जाए. यहाँ पे टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंस दिए हुए हैं आपको. क्या दिए हैं बेटा? टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंस. ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है जनरल और एक होता है क्या? क्वालिफाइड. व्हेन द ड्रॉवी एक्सेप्ट द ड्राफ्ट विदाउट एनी चार्जेस और क्या?
कंडीशन, कुछ बिना खोड़ तोड़ किए, जैसे आपने लिखा था ना एक्सेप्टेड फॉर वैल्यू ऑफ कितना 2 लाख, एक्सेप्टेड फॉर 1 मंथ, ये सब जो लिखते थे ना यहाँ पे, ऐसा ना करते हुए जैसा बिल आया वैसा का वैसा एक्सेप्ट करना, इसको क्या बोला जाता है? जनरल एक्सेप्टेंस, और इसी को बोला जाता है अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस। नहीं तो आपने वहां पे थोड़ा सा खोड़तार करा, कुछ एडिशनल कंडीशन ऐड की, तो उसको बोला जाएगा कौन सा एक्सेप्टेंस? क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। तो ये कंफ्यूजन क्लियर है? विदाउट एनी वैल्यूएबल कंसिडरेशन अगर बिल ड्रॉ किया जाता है तो उसको कौन सा बिल बोलते हैं? अकोमोडेशन बिल बोला जाता है। चलिए ऑल राइट, वापिस पेज नंबर पे आइए। तो 302 आगे आता है 10th क्वेश्चन पे। The amount which is not recoverable from the drawee on account of his insolvency, क्या है ये? Bad debt, जो amount हम recover नहीं कर पाए। Is that okay? बताइए true or false, और साथ में क्या देने हैं आपको? Reason। तो ये homework mark करोगे आप, आपको लिखना है true है कि false है, और साथ में क्या quote करने हैं उसके? Reason। I'm not going to take it today, right? You will be writing it। Find the odd one, और उसका reason भी बताना। इसको भी क्या मार्क करो? होमवर्क मार्क करो। कंप्लीट द सेंटेंस पटापट यहीं पे आंसर दो, ताकि हम आज के लेक्चर को क्या कर सके, जल्दी से खत्म। मेकिंग पेमेंट ऑफ बिल बिफोर द ड्यू डेट ऑफ मैच्योरिटी इज नोन एज रिटायरमेंट। अभी अभी पढ़ा था, इसी को हम क्या बोलते हैं? रिटायरमेंट। अ पर्सन हुज लायबिलिटीज आर मोर देन हिज असेट्स एंड ही इज नॉट इन अ पोजिशन टू पे ऑफ हिज लायबिलिटीज insolvent, ऐसे व्यक्ति को क्या बोला जाता है? insolvent या insolvent person। amount that cannot be paid by acceptor on account of insolvency is known as deficiency। मैंने बोला था ये सब word to word इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि इस पे one liner, fill in the blank और odd man out जैसे question पूछे जा सकते हैं। और 12th में ध्यान दो बेटा, अगर 100 out of 100 score करना है तो चुकीला माफी नहीं, सिली मिस्टेक ही होती है। और ये जो एक मार्क कटता है, ये 100% किसने कटता है? फिल इन द ब्लैंक में ही या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ही कटता है। अ बिल ऑफ एक्सचेंज पेएबल आफ्टर सर्टन पीरियड इज नोन एज, दो टाइप के बिल होते हैं, एक होता है एक सर्टन पीरियड के बाद पे करना, और एक होता है जिसका कोई भी पीरियड होता नहीं है। ऐसे बिल ऑफ एक्सचेंज को जिसको जिसमें टर्म या टाइम दिया गया है, और टर्म या टाइम नहीं दिया गया है उसको बोला जाता है डिमांड बिल, और बिल एट, बिल ऑन साइट, बिल एट साइट, हाँ, जिसपे ड्यू डेट या टर्म दिया हुआ नहीं होता उसपे डिमांड बिल बोला जाता है या बिल एट साइट। पर जो बिल पेएबल आफ्टर सर्टन पीरियड होता है, जिसपे सर्टन पीरियड मेंशन किया गया है, ऐसे बिल को क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? टर्म बिल। तो जो बिल में टर्म इन्वॉल्व नहीं है ऐसे बिल को क्या बोला जाएगा? डिमांड बिल। देखो ना, पढ़ो ऊपर कहां लिखा हुआ है, कहां लिखा हुआ है कि बिल में ड्यू डेट दी जाती है या नहीं दी जाती? ये देखो 261, द टर्म ऑफ बिल इज द पीरियड आफ्टर विल बिल बिकम्स पेएबल। टर्म बिल में भी मंथ और क्या डेज, यहां पे लिखा है डेज ऑफ ग्रेस लिखा हुआ है, और इसमें नहीं होता है डेज ऑफ ग्रेस एट साइट में, ये लिखा हुआ है बिल पेएबल और डिमांड। तो ये देखो फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज आर एज फॉलो, एक होता है आफ्टर डेट बिल, एक होता है आफ्टर साइट बिल, और एक होता है बिल पेएबल ऑन डिमांड और एट क्या साइट। तो जिस बिल में टर्म दी होती है, वैसे तो ये टर्म बिल वर्ड कहीं आया है क्या? ठीक है, उसको टर्म बिल बोलते हैं, जिसकी टर्म क्या होती है? फाइनल होती है। लिख के रख दो, बिल विच इज ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड विथ वैल्यूएबल कंसिडरेशन इज नोन एज
अरे उसी के ऊपर लिखा हुआ है, उसी के ऊपर लिखा हुआ है, क्या बोला जाता है? ट्रेड बिल। ट्रेड, क्योंकि ट्रेड बिल में वैल्यूएबल कंसिडरेशन होता है, कोई व्यक्ति कुछ खरीदता है, कोई व्यक्ति कुछ बेचता है, और एक व्यक्ति दूसरे को देना लगता है। बिल ऑफ अकोमोडेशन में कुछ खरीदा नहीं जाता, कुछ बेचा नहीं जाता, बेवजह ही एक दूसरे पे क्या ड्रॉ किए जाते हैं, बिल, ताकि बैंक से उसको डिस्काउंटिंग करा के क्या लिया जा सके, पैसा। अ पर्सन हु ड्रॉज द बिल ऑफ एक्सचेंज इज नोन एज ड्रॉवर। अ बिल हुज ड्यू डेट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस इज नोन एज बिल एट साइट, बिल आफ्टर साइट, बिल आफ्टर साइट, आफ्टर साइट बिल बोलते हैं इसको। एट साइट मतलब ऑन डिमांड होता है, बिल आफ्टर साइट। और यहीं पे कटेंगे आपके, अगर आप में से 10 लोगों को 100 में से कितने नंबर आए, 99, तो एक मार्क कहां कटेगा आपका, फिल इन द ब्लैंक में ही कटेगा। रिकॉर्डिंग ऑफ अ फैक्ट ऑफ डिसऑनर इज नोन एज द नोटिंग। When drawee accepts the bill payable at a particular place only, it is known as qualified acceptance. कि मैं एक उसी जगह पे पैसे दूंगा, इधर उधर नहीं दूंगा, एक qualification as to place करते हैं उसको, या qualified acceptance as to place, पूरा लिख सकते हो आप qualified acceptance at to place, ऐसा word use हुआ है textbook में। Fees charged by bank for collection on behalf of a holder is called as bank charges. Answer in one sentence, copy में करना है, इसको क्या mark करेंगे, homework, और कल मुझे check कराएंगे। Do you agree or disagree को भी आप क्या mark करोगे, homework, यहाँ पे आपको reason देने की जरूरत नहीं है। Calculation हो गए कि होने के नहीं, ये हो गया होगा पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा ही हुआ होगा और सिक्स हो गया है ना, तो तीसरा चौथा और पांचवा आज का क्या है आपका होमवर्क, कर लोगे? अरे हो ना, प्रिपेयर द फॉलोइंग स्पेसिमेन हो गए क्या सारे, पूरे के पूरे? तो बड़े क्वेश्चन को लेना करना कब से स्टार्ट करेंगे अपन, कल से। तो मैं आज आपको होमवर्क नहीं दे रहा हूं कोई, ये छोटे मोटे क्वेश्चन है, इतने ही क्या है आपको होमवर्क है, रिटायरमेंट ऑफ बिल और इनसॉल्वेंसी ऑफ अ ड्रॉवी, इसके केसेस को आपको लिखना है वैसा का वैसा, उसकी जर्नल एंट्री को आपको लिखना है वैसा का वैसा। इज दैट ओके गाइस, एनी डाउट? ठीक है, तो चलो फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए। सर आज का टाइमिंग? अरे कल सैटरडे, रुको कोई नहीं जाएगा क्लास छोड़, सैटरडे सैटरडे संडे भी है और होमवर्क तो रहेगा 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 रहेगा। रुको, कल छुट्टी नहीं है? नहीं नहीं नहीं, कल छुट्टी काय की, आज कल होमवर्क दूंगा जम के, क्योंकि बड़े क्वेश्चन में कराऊंगा। हां आज आज क्या है, फाउंडेशन को टाइम है, ये पूरा यहाँ पे खत्म होगा उसके। अरे फाउंडेशन का टाइमिंग का थोड़ा इशू है, अभी होल्ड पे रखो, सोमवार से कुछ नया रास्ता निकालते हैं, अभी दो दिन तो फाउंडेशन की बैच नहीं होगी। तो ठीक है, इतना ही होमवर्क देता हूँ। क्या बोला? नहीं नहीं ठीक है, इतना ही होमवर्क दे रहा हूँ, चलो कल मिलते हैं, ठीक है? हाँ बेटा, हाँ चेकिंग में कर रहा हूँ, बाकी लोग व्हाट्सएप पे भेजिए। चलिए